हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डूज एंड डोंट्स हैं फॉर द जीपीएससी एग्जाम। मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो भी वो करते रहते हैं। इसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, प्रिपरेशन काफी हैम्पर होती है। तो इसके वजह से आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये जीपीएससी एग्जाम के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपको बता दूं कि जीपीएससी का एग्जाम जो है उसके फॉर्म्स अगस्त में आ जाएंगे और नवम्बर में इसका एग्जाम है। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास सिर्फ 4 मंथ्स बचे हुए हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप सीरियसली जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये 4 महीने आप मन लगा के पढ़ लीजिए, आपका जीपीएससी एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियो जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, ठीक है। आप वहां से जाके जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो एक्सेस कर सकते हैं। उसमें सारे यूजफुल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको नए वीडियोस चाहिए, आपको जहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहा है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, प्लस उस पर एक नया वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आज का कंटेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और प्रॉपरली आपको जो उसको आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको करना ही करना है, मस्ट डू। आपको जो है वो क्या करना है, सबसे पहला आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। जैसा कि आपको पता है कि 6 नवंबर को एग्जाम है, तो उसके हिसाब से आपको 2 टाइम टेबल बनाने हैं, एक दिन में दिन का टाइम टेबल और एक मंथ वाइज टाइम टेबल बनाना है। मंथ वाइज टाइम टेबल में आपको बनाना है कि कितने मंथ्स में मुझे सारे सब्जेक्ट करने हैं, कितने दिन मेरे पास बाकी हैं। डे वाइज टाइम टेबल में आपको बनाना है कि सुबह से लेकर रात तक आपको कैसे अपने प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालना है। तो ये दोनों प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाने हैं, तो ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो एकदम सही तरीके से हो सकती है। अगर आपको इसके टाइम टेबल बनाने में हेल्प चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो बनाया हुआ है, टाइम टेबल फॉर जीपीएससी एग्जाम, आप उसको देख सकते हैं। आपको काफी कुछ नया सीखने को मिल सकता है उसमें से, और बहुत अच्छा आइडिया आपको आ सकता है, ठीक है। उसकी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगी, उसके अलावा चैनल पर जाकर भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। पहला आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिलेबस के बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री है, ठीक है, प्रीलिम्स में हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, पॉलिटी में कौन कौन से आने वाले हैं, ज्योग्राफी में कौन कौन से आने हैं, इसका पूरा सिलेबस आपको डिटेल में पढ़ना है। सिलेबस का डिटेल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सिलेबस आपको देख लेना है। प्रीलिम्स का तो अभी आपको देख ही लेना है, वैसे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस देखना चाहिए, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बस डिफरेंस ये होता है प्रीलिम्स और मेंस की आपको सेम बुक लिस्ट ही फॉलो करनी है। डिफरेंस ये है कि प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं उसको पढ़ के, और मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सेम बुक फॉलो कीजिए। हम लोग मैंने एक बुक लिस्ट का वीडियो बनाया है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बुक्स मैंने डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं, सिलेबस का वीडियो भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ वो वीडियोस देखने हैं, मैंने सारे के सारे वीडियोस अलग अलग से बना रखे हैं जिससे बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको जो करनी है वो है आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। प्रॉपर नोट्स आप कैसे बनाएंगे उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो प्रॉपर नोट्स बनाने मतलब आप एक रीडिंग करेंगे उसके बाद आपके कभी प्रॉपर नोट्स नहीं बनेंगे। अब आपके पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है, 4 मंथ्स है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इसके पहले। मैं उनकी बात करूंगी कि जैसे उन्होंने पॉलिटी एक बार पढ़ ली, दूसरी बार अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक से डायरेक्टली पढ़े चाहे आप वीडियोज देखकर डायरेक्टली पढ़े, आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। पूरी की पूरी बुक या पूरा का पूरा पेपर आपको नहीं छापना है, आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखने हैं, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्यों करने हैं, प्रीवियस ईयर आपका सिलेबस खत्म हुआ हो या नहीं हुआ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखने हैं।
ठीक है, क्यों देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं या इजी लेवल के पूछे जाते हैं, ये आपको नहीं पूछा पता चलेगा। करंट अफेयर से ज्यादा पूछे जाते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सारा आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर ही आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं। वैसे जीपीएससी एग्जाम का जो पैटर्न है वो यूपीएससी एग्जाम की तरह है, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े जीपीएससी में आते हैं, लेकिन जीपीएससी का लेवल मतलब कंटेंट मतलब जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो यूपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, आपका सिलेबस हो रहा है, आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे आपने पॉलिटी से स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया है कि कौन से सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी सबसे ईजी सब्जेक्ट है, आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब्जेक्ट वाइज। जब आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपका आइडिया क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको सब्जेक्ट वाइज। जब सब्जेक्ट आपके सारे कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या लगाना है, FLT लगाना है, मतलब फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है, ये आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रिवीजन, इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल थिंग। मतलब रिवीजन तो आपको करना ही है, एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया उस आपको अपना टाइम टेबल ही ऐसे बनाना है कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करके आपको रिविजन का टाइम मिले। ठीक है, रिविजन का टाइम आपको रखना ही रखना है, भले आप एक सब्जेक्ट कम पढ़े। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे उसमें 8 सब्जेक्ट है तो जरूरी नहीं है आप सबका वेटेज चेक कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है लेकिन क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो बन नहीं रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना है या वो वाला पोर्शन जो है स्किप कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी आपको सिर्फ एम लक्ष्मीकांत से पढ़नी है। ठीक है, और उसके आप क्वेश्चंस देखेंगे ना आपसे इजीली बनेंगे, तो आपको पॉलिटी किसी भी हाल में स्किप नहीं करनी है, उसके क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का जो गुजरात का आर्ट एंड कल्चर है उसकी बुक और सोर्सेज बहुत ज्यादा वास्ट हैं, लेकिन उनको पढ़ भी ले आप तो भी आपको कोई गारंटी नहीं होती है कि उनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो उस केस में आप उस पार्ट को थोड़ा स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं बच रहा है तो। अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास टाइम है, तो आप रिवाइज करने का जरूर टाइम लेगा। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है, जैसे 4 मंथ्स है तो 3 मंथ्स में आपने जो भी पढ़ा है, 1 मंथ आपको पूरा का पूरा किसमें इन्वेस्ट करना है, आपके रिवीजन में इन्वेस्ट करना है। अगर आप रिवीजन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके जो 3 मंथ की स्टडी है वो कहीं ना कहीं उतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी जितनी वो 1 मंथ के रिविजन से प्रोडक्टिव हो सकती है। समझ में आया आपको क्या क्या करना ही है? तो वो है आपको टाइम टेबल बनाना है, सिलेबस की अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और रिविजन करना है। ये तो हो गए आपके मस्ट डू, मतलब ये करना ही करना है किसी भी हालत में, तो ही आप अपना जीपीएससी एग्जाम का जो टारगेट है उसको फुलफिल कर पाए। अब आपको क्या नहीं करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, तो पहले तो आपका रिवीजन वाला जो टाइम है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। रिवीजन आपको मस्ट करना ही करना है, रिवीजन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और कोई भी नए टॉपिक्स जो है एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको एग्जाम के बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मान लो 2 दिन बाद एग्जाम है, आप नया एकदम आर्ट एंड कल्चर खोल के बैठ गए, उसमें आपको कुछ समझ ही नहीं आया, उससे आपको क्या होगा, डीमोटिवेशन बहुत आएगा कि ये तो मुझे नहीं आता और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो डीमोटिवेशन होगा क्योंकि आपको पता है जीपीएससी का कट ऑफ काफी उतना ज्यादा नहीं है, आपको 400 में से 400 मार्क्स नहीं लाने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। 400 में से आपको 150 मैक्स कट ऑफ जाता है, अभी तक 150 भी नहीं गया, अभी तक तो 130 ही गया, लेकिन हम टारगेट 150 का लेके चलेंगे। ठीक है, तो इतना ही आपको सॉल्व करना है। तो इतने सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए, और जितने आप प्रिपेयर करेंगे उनको ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए कि आपके 150 मार्क्स तो आए, या फिर आप 200 का भी टारगेट रख सकते हैं, मतलब 50% तो आपके आने ही आए।
आए ही आए, ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे आपको तैयारी करनी है, तो कोई भी बहुत नए टॉपिक्स आपको एकदम एंड टाइम पे लर्न नहीं करना है, और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लीजिए। स्ट्रेस लेने से क्या होता है, जो चीजें आपको आती है ना, आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। आप हमेशा ओपन माइंड से जाइए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, और अच्छे से तैयारी करके अच्छे से जाइए, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी बुक लिस्ट के बारे में, जो आपको नहीं ही करनी चाहिए होती है बुक लिस्ट। जो आप बुक फॉलो करें, एक ही बुक को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ही बुक को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, ना कि मल्टीपल बुक को एक एक बार पढ़े, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को ही जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपका पॉलिटी अच्छा होता जाएगा। हिस्ट्री के लिए अगर आप कोई भी एक सोर्स मान लीजिए, जैसे अगर आप तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सोर्स है हिस्ट्री के लिए, मैं आपको सब सजेस्ट करूंगी। और उसके वीडियोज भी मैंने बना रखे हैं तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th की, उसमें पूरा मैप के साथ डिस्कस किया हुआ है, काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से जाकर जरूर पढ़िए, ठीक है। वीडियोज की लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने उसमें काफी अच्छे से मैप के साथ पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया आएगा हमारी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, क्लियर। तो आपको यही बुक बार बार रिवाइज करनी है, जब रिविजन करेंगे ना तो आपको यही बुक बार बार रिवाइज करनी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th से कर ली, फिर आपने क्या किया कहीं और दूसरी बुक ले ली, बिपिन चंद्रा ले ली, स्पेक्ट्रम ले लिया, ऐसे नहीं करना है। स्पेक्ट्रम तो लेना ही है आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लेकिन आपको बहुत मल्टीपल सोर्सेज नहीं फॉलो करने हैं, सिर्फ एक या दो लिमिटेड सोर्सेज को ही फॉलो करना है, लेकिन उनको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना है, मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, सिंगल एक या दो सोर्सेज को फॉलो करना है, और उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा बिल्कुल। अब आप कुछ हेल्थ टिप्स, बहुत सारे बच्चों की क्या होती है एग्जाम प्रिपरेशन के स्ट्रेस में अपनी हेल्थ बिगाड़ लेते हैं, तो हेल्थ टिप्स मैं आपको कुछ देना चाहूंगी, ये काफी यूजफुल रहेंगे आपके लिए। देखो, प्रिपरेशन आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हेल्दी फूड खाना है और हेल्दी स्लीप लेनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप हेल्दी स्लीप नहीं लेंगे और हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, तो अगर आप जो 12 घंटे में पढ़ रहे हैं ना, उसकी प्रोडक्टिविटी आपकी 5 घंटे जितनी होगी। अगर आप हेल्दी स्लीप ले रहे हैं, एक बार अगर आपको नींद आनी, नींद के झोंके आ रहे हैं, फिर भी आप पढ़े जा रहे हैं, तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यूजलेस होता है वो पढ़ना, ठीक है। तो अगर इसी की जगह आप हेल्दी स्लीप लेकर फिर पढ़ाई करेंगे, तो अगर आप 10 घंटे भी पढ़ाई करें ना, तो हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी 9 घंटे की हो, 9 घंटे जितना उसमें कॉन्सेंट्रेशन हो, समझ में आया। तो स्लीप हेल्दी और फूड भी हेल्दी होना आपका जरूरी है, ठीक है। और हर एस्पिरेंट्स को कम से कम 8 आवर तो सोना ही चाहिए, ठीक है, 7 to 8 आवर सोना ही चाहिए, चाहे आप रात के टाइम पे सोए या दिन में सोए, जैसा भी आपका हैबिट है उसके हिसाब से। जैसे कि आप रात को 6 घंटे सो लिए, 7 घंटे सो लिए, दिन में 1 घंटे सो लिए, रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये ऐसे आप अपना टाइम स्लीपिंग पैटर्न रखेंगे ना, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और बार बार वाटर इंटेक अच्छा रखिए, ठीक है, नहीं तो लोगों को डिहाइड्रेशन होता है। देखो, जितना वाटर इंटेक अच्छा रखेंगे, उसका साइंटिफिक रीजन होता है, जितना वाटर इंटेक अच्छा रखोगे, आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी के, वो बाहर जाएंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वाटर इंटेक आपको हमेशा अच्छा रखना है, और हमेशा छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं हर घंटे में, 1 घंटे में कम से कम 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेंगे ना, तो आपका माइंड जो स्टफ हो गया है सारी चीजों से, वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और फिर वापस से आप जब पढ़ने बैठेंगे तो काफी ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो हमेशा ब्रेक्स लेने हैं हर घंटे में, ठीक है। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, और कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं आपको ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कर दूंगा, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं पॉजिटिव रहूंगा, तो मैं इस एग्जाम को जरूर क्रैक कर दूंगा। लाइफ में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज टफ नहीं होती, अगर आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको जरूर और जरूर मिलता है। तो यही चीज आप सोचिए कि आपको हार्ड स्टडी करनी है, अच्छे से स्टडी करनी है, और नई नई चीजें सीखनी है, और इस एग्जाम को क्रैक करना है।
ठीक है। तो ये कुछ हेल्पफुल टिप्स थे, मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको हेल्प करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए।